सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि एक वक्त पर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का काफी गहरा कनेक्शन था। कई हीरोइनों के नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हैं। इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों की हत्याओं में अंडरवर्ल्ड का हाथ होने की बात भी सामने आती रही है। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता आज कैसा है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड के प्रभाव की एक ऐसी कहानी हम आपको बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है साक्षी शिवानंद की, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के प्रभाव के चलते बॉलीवुड को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया और दक्षिण भारत की फिल्मों में सफलता हासिल की। साक्षी शिवानंद की इस कहानी के जरिए आपको अंदाजा होगा कि कैसे एक वक्त पर हिंदी फिल्मों की रंगीली दुनिया पर बॉलीवुड का अनदेखा काला साया मंडराता था। 15 अप्रैल 1977 को मुंबई में पैदा हुई साक्षी शिवानंद दिखने में जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। साक्षी MBA कर चुकी हैं। चूंकि साक्षी को शुरू से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी, तो उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। साल 1995 में आई फिल्म जन्म कुंडली से साक्षी का बॉलीवुड करियर भी शुरू हो गया। इस फिल्म में साक्षी के अपोजिट अभिनेता हरीश नजर आए थे। यूं तो ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन साक्षी की तरफ जरूर सबका ध्यान गया था। इसी साल साक्षी अयूब खान के अपोजिट फिल्म संजय में दिखी। हालांकि इनकी दूसरी फिल्म संजय भी फ्लॉप ही रही, लेकिन अगले साल यानी 1996 में साक्षी दिखी इंद्रप्रस्थम नाम की एक मलयालम फिल्म में। इस फिल्म में साक्षी के हीरो थे ममूटी और ये फिल्म बढ़िया चली थी। इस फिल्म की कामयाबी ने साक्षी के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के द्वार खोल दिए। उन्होंने उस दौर में साउथ की कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया था। यूं तो इस दौरान साक्षी कुछ हिंदी फिल्मों में भी नजर आई थी, लेकिन उनमें से एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो हिंदी भाषी दर्शकों के मन मस्तिष्क पर किसी तरह का कोई प्रभाव छोड़ पाती। हिंदी बेल्ट के दर्शकों ने साक्षी को सबसे पहली दफा नोटिस किया साल 2000 में आई फिल्म क्रोध में। उस फिल्म में साक्षी सुनील शेट्टी की 5 बहनों में से एक सीमा बनी थी। यूं तो क्रोध भी असफल फिल्मों में शुमार की जाती है, लेकिन साक्षी का अभिनय जरूर काबिले तारीफ रहा। और फिर 2 साल बाद यानी साल 2002 में साक्षी शिवानंद नजर आई फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है में, और ये फिल्म साक्षी के बॉलीवुड करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यूं तो आपको पहले भी कहीं देखा है नाम की उस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से कोई बहुत बढ़िया रिव्यूज नहीं मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्म थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रही, और इसी वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर साक्षी में दिलचस्पी दिखाने लगे। साक्षी ने कुछ फिल्में साइन भी की, लेकिन जल्द ही पता चला कि साक्षी ने जितनी भी फिल्में साइन की थी वो सब उन्होंने छोड़ दी हैं, और जो भी एडवांस उन्होंने प्रोड्यूसर से लिया था वो वापस लौटा दिया है। उस वक्त किसी को पता नहीं चला कि साक्षी ने अचानक ये फैसला क्यों लिया। फिर कुछ साल बाद साक्षी का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जो बेहद शॉकिंग थे। उस इंटरव्यू में साक्षी ने बताया था कि वो कहाँ चली गई थी और क्यों उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। साल 2010 में दिए उस इंटरव्यू में साक्षी शिवानंद ने बताया था कि साल 2004 में उन्होंने एक ऐसी फिल्म साइन की थी जिसमें अंडरवर्ल्ड ने पैसा लगाया था। हालांकि साक्षी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस फिल्म का अंडरवर्ल्ड के साथ भी कोई कनेक्शन है। वो तो उस फिल्म की कुछ शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन एक दिन साक्षी के फोन पर दुबई से एक कॉल आई। पहले तो साक्षी को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने उस कॉल पर ध्यान नहीं दिया। मगर जब एक दिन उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोग साक्षी के पास आए और उन्होंने साक्षी से दुबई जाकर किसी से मिलने को कहा, तो उन्हें वही फोन कॉल ध्यान आई जो कुछ दिन पहले दुबई से उनके नंबर पर आई थी। साक्षी को एहसास हुआ कि जो लोग उनसे मिलने आए थे वो अंडरवर्ल्ड के लोग थे।
और जिस आदमी से दुबई में जाकर मिलने का उन पर दबाव बनाया जा रहा था वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से ये सारी बातें बताई इस उम्मीद में कि शायद डायरेक्टर उसे बताए कि इस सिचुएशन का कैसे सामना करना है। लेकिन डायरेक्टर के जरिए उस दिन साक्षी को जो पता लगा वो जानकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस फिल्म को बनाने में जितना भी पैसा लग रहा था वो सारा पैसा अंडरवर्ल्ड खर्च कर रहा था। उस डायरेक्टर ने भी साक्षी को दुबई जाकर डॉन से मिलने और उसकी ख्वाहिश पूरी करने की सलाह दी। उस घटना ने साक्षी को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, अपना नंबर तक बदल लिया। वो एक ऐसा वक्त भी था जब साक्षी के माता पिता दक्षिण अफ्रीका में थे और उनकी छोटी बहन शिल्पा आनंद भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। यानी उस मुश्किल वक्त में साक्षी एकदम अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा खुद को अपने घर में बंद रखती थी और अक्सर रोती रहती थी। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मान लिया कि साक्षी ने शायद शादी कर ली है और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। हालांकि साक्षी ने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम जरूर किया था। 2007 में साक्षी गोविंदा के साथ जहां जाइएगा हमें पाइएगा नाम की फिल्म में भी दिखी थी। और वो फिल्म भी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि एक तो वो गोविंदा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और दूसरे वो फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के भाई लखन ने प्रोड्यूस की थी। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। उस इंटरव्यू में साक्षी ने कहा था कि अंडरवर्ल्ड की गंदी नजरों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर खुद ही खत्म कर लिया। साउथ इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का असर नहीं था तो वो साउथ की फिल्मों में काम करने लगी। वैसे तो साक्षी शिवानंद ने साउथ की कई बड़े बजट, बड़े स्टार्स और बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन साक्षी कभी भी साउथ में अपने करियर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रही हैं। बकौल साक्षी, अगर लड़की खूबसूरत दिखती है तो साउथ की फिल्म में उसे परफॉर्मेंस की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मुझे भी साउथ की कुछ ही फिल्मों में बढ़िया रोल मिले हैं, ज्यादातर मैंने ग्लैमर गर्ल वाले कैरेक्टर्स ही वहां प्ले किए हैं। ये काफी अजीब है लेकिन ये सच है। साल 2016 में साक्षी ने कलेक्टर गारू फिल्म में अपने हीरो रहे अभिनेता मोहन बाबू से शादी भी कर ली है और अब वो सुखी पारिवारिक जीवन बिता रही हैं।